सत्र का हम शुभारंभ करते हैं इन कॉन्वर्सेशन विद देवदत्त पटनायक जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा इनका परिचय आज का नहीं, काफी पुराना है, और इत्तेफाक है कि वेब दुनिया की शुरुआत और इनकी लेखनी के करियर की शुरुआत करीब करीब समकालीन है। इनके शुरुआती दिनों में इन्होंने एक वेबसाइट और जो कंटेंट बनाया था उसमें इनकी इच्छा थी कि वह अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषाओं में भी आए, और उस समय भाषांतरण या ट्रांसलेशन और न कहते हुए उसे भावांतरण, क्योंकि इनकी लेखनी में भाव है, सिर्फ भाषा नहीं है, तो उस भाव का भावांतरण सही हो सके इसकी जिम्मेदारी उस समय इन्होंने इंदौर आकर वेब दुनिया में हमारी टीम से मुलाकात करके और काम सौंपा था। मधुर संबंध रहा है, तो मुझे खुशी की ये मौका मिल रहा है दिलजीत जी की आपसे बात करने का। इंट्रोडक्शन की जो तैयारी मैंने करी थी, करीब करीब कोई इंट्रोडक्शन यहाँ पे ऑडियो विजुअल के थ्रू हो चुका है, तो उस औपचारिकता से बचते हुए हम इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो उसमें एक त्रुटि थी, उसे सही कर लेते हैं। उसमें लिखा है दिलजीत जी ने 41 बुक्स लिखी है, एज ऑफ टूडे इट हैज बिकम 42, दिस इज द 42nd बुक। It's very interesting because I had 16 pages of questions. And this one book threw my question sets out of order, because one of my questions somewhere in the middle segment was कि राम और कृष्ण में आप क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं पाते हैं? As a mythology, as a person who's writing mythology in modern context, और इनकी किताब का शीर्षक है रामायण versus महाभारत। My playful comparison, और उसमें एक पेज है जिसमें इन्होंने राम और कृष्ण को कंपेयर किया है, तो सर मैं चाहूंगा कि वहीं से इस बात को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारत को समझने के लिए, सनातन को समझने के लिए राम और कृष्ण को समझना बहुत अनिवार्य है। यू हैव टू अंडरस्टैंड राम एंड कृष्ण। राम एक राज घराने के बड़े बेटे हैं, श्री कृष्ण ग्वालों के घर में छोटे बेटे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, फॉलोज द रूल्स, एक लीला पुरुषोत्तम है, रूल्स के इधर उधर खेलते रहते हैं, एक का चेहरा हमेशा सीरियस रहता है, शांत रहता है, दूसरा हमेशा हंसता रहता है, हसमुख होता है, एक एकम पत्नी बता रहा, दूसरा अष्ट भार्या और गोपिकाओं के साथ रासलीला करने वाले कृष्ण, और दोनों को इतने अलग हैं, एक त्रेता युग में है, एक द्वापर युग में है, एक उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, एक पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं, तो मथुरा से द्वारका की तरफ जा रहे हैं, तो इतने डिफरेंस हैं, लेकिन दोनों को हम विष्णु के अवतार मानते हैं, तो दोनों को हम वी डोंट कंसीडर देम एज टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, वी कंसीडर देम एज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम डिवाइन। तो इतने अलग अलग लोगों को, दोनों को, लाइक व्हेनेवर आई टेल पीपल कि राम और कृष्ण में फर्क क्या है, एंड इंडियंस विल ऑलवेज से दैट नहीं, दोनों तो एक ही हैं, दोनों विष्णु भगवान के अवतार हैं, सो सेम सेम और डिफरेंट, जो इंडिया में फेमस होता है ना, इज इट सेम और डिफरेंट, सेम एंड डिफरेंट, एंड दैट इज वॉट इज अ कॉम्प्लेक्स आइडिया जो लोग दुनिया भर में समझ नहीं पाते हैं। अगर आप पिक्चर दिखाओ राम कृष्ण की और लोगों को दुनिया में बोला ये दो है या एक है, so everywhere in the world they say there are two, and Indians will say they are one, but they are also two. That is why Indians confuse everything. Do you think that characterization of Vishnu in these two aspects is more to do with the time of the society that they are referring to? Could it be that? Dekhiye, one of the most important concepts in Indian thought, which is very unique to Indian thought, is har cheez desh, kaal aur gun se badalta hai. So with geography, with history, and the personality of people, everything will change. Nothing will be static. So everything has to change. So Ram and Krishna belong to two different contexts. If you are the eldest son in the royal family, you cannot behave like the youngest son in a cowherd family. Aapka role hi alag hai. Aapka daitya alag hai. Aapka situation alag hai. So you are हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट है, देश काल और गुण के देख के ही रीति और नीति बदलती रहती है। सो वी हैव ऑलवेज बीन अ सोसाइटी व्हिच डजंट बिलीव कि एक ही रूल हमेशा रहेगा। सो जब युग बदलता है तो भगवान भी अवतार बदलते रहते हैं कि आई हैव टू कीप एडैप्टिंग टू टाइम, इट्स नेवर स्टैटिक।
कभी राम बनना पड़ता है, कभी परशुराम बनना पड़ता है, कभी कृष्ण बनना पड़ता है, कभी वामन बनना पड़ता है. सो यू आर कंटिन्यूअसली अडेप्ट कर रहे हो समय के साथ. और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंडियन फिलोसफी. जो लोग वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द पीपल से कि राम कब बनना चाहिए. ऐसे रामायण में राम बनना चाहिए, भागवत में कृष्ण बनना चाहिए. भागवत में राम नहीं हो सकते, रासलीला नहीं करेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. And in the same context, and I think I read one page in this book which talks about the comparisons of the way Ramayana and Mahabharata as epics have been organized, the timelines of the two as when they were written, and how, you know, the Vedas and the Purans structure them. This is a very serious aspect of similarities yet differences, right? Be nice if you know, being the latest and the freshest thought in your mind, if you can share with us, you know, what inspired this. Thank you. You know, I've been writing for 20 years, and I wrote Jaya, which is the Mahabharata. Then I wrote Sita, which is the retelling of the Ramayana. Ki bachon ke liye maine likha, Girl Who Chose, which is Ramayana, Boys Who Fought, which is Mahabharata. So Ramayana Mahabharata padte padte, I suddenly realized, and something then I started reading other scholars, ki dono ka structure ek jaisa hai. We consider them, लोग कहते हैं रामायण इतना बोरिंग आइडियलिस्टिक होता है, महाभारत इज सो एक्साइटिंग एंड रियलिस्टिक, बट अगर आप स्टोरी टेलिंग के पॉइंट से जाए तो दे आर एग्जैक्टली द सेम स्टोरी टोल्ड डिफरेंटली. तो पहला जो अध्याय होगा, जो बालकांड है रामायण का और आदि पर्व है महाभारत का, दोनों फैमिली का बैकग्राउंड बताते हैं कि ये फैमिली ऐसा था, रघुकुल ऐसा था, कुरुकुल ऐसा था. फर्स्ट चैप्टर. सेकेंड चैप्टर में क्राइसिस शुरू होता है. तो रामायण में कई कई आ जाती है और बोलती है कि मेरे बच्चे को राजा बनाओ, और महाभारत में सभा पर्व आता है जहां पे जुआ खेला जाता है. तो सेकेंड चैप्टर में क्राइसिस ऑफ किंगशिप, कि राजा बनते बनते हाथ से छूट जाता है. तो एक और इससे तीसरा चैप्टर आता है वनवास. तीनों में वनवास आता है. तो एक दो वन में जाते हैं, और वन में गंधर्वों के साथ, अप्सराओं के साथ, राक्षसों के साथ, असुरों के साथ ये डीलिंग, और बहुत कुछ हो रहा है. ऋषियों के साथ बात कर रहे हैं. दोनों में वनवास, एक में 14 साल का, एक में 13 साल का. दोनों जगह पे उसके बाद वनवास के बाद, वनवास में हमेशा एक नए प्रकार के लोगों को मिलते हैं. जैसे रामायण में वो वानर को मिलते हैं किष्किंधा में, महाभारत में वो विराट पर्व में वो नौकर बनते हैं. तो पहली बार राजा को नौकर बनना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर शुरू आता है. उसके बाद युद्ध की शुरुआत होती है. रामायण में भी युद्ध होता है, महाभारत में भी युद्ध होता है. युद्ध के पश्चात आपको दोनों में राजसूय यज्ञ होगा, राम राजा बनते हैं, यहाँ भी युधिष्ठिर राजा बनता है. उसके बाद अश्वमेध यज्ञ दोनों में होगा, और अश्वमेध यज्ञ में बाप बेटे की लड़ाई होगी. तो लव और कुश की लड़ाई राम के साथ होती है, और यहाँ बभ्रू वाहन की लड़ाई अर्जुन के साथ होती है. तो जब और दोनों कहानियों में ट्विस्ट हैप्पी एंडिंग नहीं होता है. रामायण में सीता का वनवास, और महाभारत में कौरव को स्वर्ग में देखते हैं. तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एक कहानी है, या ये एक ही स्क्रीन प्ले राइटर ने दो कहानी लिखी है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सडनली रियलाइज महाकाव्य का मतलब क्या है. महाकाव्य में इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है, हमको लग रहा है कि दो दो कहानी है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है और जो ढांचा दिखाया गया है एक जैसा है. तो हम मुझे नहीं पता ऑडियंस क्या महसूस कर रही. मैं जब आपको सुनता हूँ, आपको पढ़ता हूँ और आपके विचार देता हूँ, सो व्हेन वी लुक एट माइथोलॉजी, वी सी द परसेप्शन ऑफ माइथोलॉजी एज इट्स रेलेवेंस इन एवोल्यूशन ऑफ आवर कल्चर, द सोसाइटी, द गवर्नमेंट फॉर्म्स, द एवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल इन इटसेल्फ. और जब हम उसको कल्चर की दृष्टि से ना देख के रिलीजन की दृष्टि से देखते हैं, तो एक रिलीजियस शिफ्ट आ जाता है. सो आई थिंक योर राइटिंग बेसिकली इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट from all this mythology the value in the relevance and its relevance in the growth of the human life. Is that your take, or is it more because there's no religious aspect to it as I see it, and correct me if I'm wrong. So see, mythology is a word that people don't understand. Wo abhi bhi they're using 19th century definition. So 19th century mein shayad hum wo ek formal samaan bhi kar sakte hain ki myth aur mithya, iska bhi ek antar aap bata sakte hain jo aap samjhe. और उस समय साम्राज्य की दुनिया थी, विक्टोरिया, ब्रिटिश,
और उनका था ये, हम जो बोलेंगे सच है, बाकी लोग बोलेंगे वो झूठ है। तो अभी भी हिंदी में अगर हम मिथ्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमारे मन में मिथ्या का मतलब झूठ है। मिथ इज फॉल्स, ये सिनोनिम बना दिया है फिक्शन। नहीं, इनॉग्रल सेशन मिस किया, वो मिथ्या हमने अश्विनी सांघी जी और रस्किन बॉन्ड साहब के लिए छोड़ दिया। दोनों ने क्लेम किया कि वो सबसे बड़े हैं इस विधा में, सबसे बड़े वही है। तो अभी 21वीं शताब्दी में डेमोक्रेसी की दुनिया है, डेमोक्रेसी है, इट्स नॉट मोनार्की। एक सच नहीं होता है, अलग लोगों का सच होता है। तो नाउ डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट। फैक्ट इज, सो आई डिफाइन लाइक सिंपल डेफिनेशन, फैक्ट इज एवरीबॉडीज ट्रूथ, फिक्शन इज नोबडीज ट्रूथ, मिथ इज समबडीज ट्रूथ। किसी का भी सच है वो भगवान को विश्वास करता है, तुम्हें तकलीफ किया, तुम विवाद क्यों कर रहे हो, संवाद करो। उसे पत्थर में भगवान दिखाई दे रहा है, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है, ये हमारी इच्छा क्यों है कि सब हमारे जैसे सोचे। सो मिथोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, मनुष्यता का प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य दुनिया को अलग अलग तरीके से देखता है। किसी को भगवान में विश्वास है, किसी को भगवान में विश्वास नहीं है, किसी को कम्युनिज्म में विश्वास है, किसी को कैपिटलिज्म में विश्वास है, किसी को सौंदर्य में विश्वास है, किसी को यू नो न्याय, न्याय जस्टिस, लेट्स लुक एट जस्टिस, इज जस्टिस फैक्ट और फिक्शन। सो एक जजमेंट, जज, ये जो आप न्याय बोलते हैं हम लोग, ये सच है या झूठ है, ये कॉन्सेप्ट है, या समानवाद, इक्वालिटी, इज इट फैक्ट और फिक्शन। घूम फिर के आएगा किसी का सच, मिथ, बिकॉज वो विश्वास की बात है। जैसे हम भगवान पे विश्वास करते हैं, हम न्याय पे विश्वास करते हैं, समानवाद में विश्वास करते हैं, ये विश्वास की बात है। इसको मैथमेटिक्स से प्रूव नहीं कर सकते कि समानवाद है, न्याय है। सो आर सोसाइटी, जो मनुष्य एट, नॉट जस्ट इंडिया, लोग हमेशा इंडियन मिथोलॉजी बोलते हैं। अच्छा देखिए, अमेरिका में भी मिथोलॉजी है, अफ्रीका में, यूरोप में, पशु और पुरुष में फर्क है कि हर पुरुष में, हर मनुष्य में एक दृष्टिकोण होता है। दृष्टिकोण ही मिथ्या है, क्योंकि मिथ्या का मतलब है खंडित सत्य। इट्स अ पार्शियल ट्रूथ, बिकॉज आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, हम दोनों को पूरा सच नहीं पता है, अनंत सच क्या है। तो सत्य शब्द और हर व्यक्ति का दृष्टिकोण भी समय के साथ बदलता है, तो वो भी शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो जो शाश्वत होता है, जो इटर्नल होता है, जो अनंत होता है, उसे हम सत्य कहते हैं और बाकी सब मिथ्या। तो हम मिथ्या इसलिए शंकराचार्य ने कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, कि हम सब जगत के जितने वासी हैं दुनिया में, जितने सबको कुछ सच पता है। यू नो, इन रिसेंटली आई वाज डूइंग सम रिसर्च ऑन ब्राह्मण ग्रंथ। तो तैतृय ब्राह्मण में एक कहानी बहुत सुंदर है, इट्स नाउ बिकम माय फेवरेट स्टोरी, कि एक ऋषि होते हैं जो तीन बार जन्म लेते हैं वेदों को पढ़ने के लिए। तो पहली बार वो ऋग्वेद पढ़ते हैं, दूसरे बार वो यजुर्वेद पढ़ते हैं, तीसरे बार वो सामवेद पढ़ते हैं। तो इंद्र आके उनको कहते हैं भरद्वाज ऋषि से कि अभी तुमने इतना अच्छा काम किया, अब क्या चाहिए वरदान, मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे एक चौथी बार जीना है ताकि मैं अथर्ववेद भी पढ़ सकूं। तो इंद्र हंस पड़ते हैं और वो जो पहाड़ देखा है, वो पूरे पहाड़ में जितना भी डर्ट है, जितना भी मड है, जितनी भी मिट्टी है, वो पूरा वेद है। फिर वो एक मुट्ठी उठाते हैं, कहते ये है तुम्हारा ऋग्वेद, फिर दूसरा मुट्ठी उठाते हैं, ये है तुम्हारा सामवेद, तीसरा मुट्ठी ये है आपका यजुर्वेद, चौथी दुनिया में तुम चौथी मुट्ठी लेके आओगे। ये मनुष्य के लिए काफी है, लेकिन वेद अनंत है, तुम कभी पूरा वेद का ज्ञान नहीं पाओगे। नम्रता की कहानी है, ये नम्रता की कहानी है कि तुम जितना भी पढ़ोगे, जितना भी यू नो एक्सपीरियंस होगा जिंदगी में, एक्सपर्टीज होगा जिंदगी में, पूरा वेद कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम हमेशा मिथ्या में रहेंगे। वी विल ऑलवेज हैव लिमिटेड ट्रूथ, वी विल नेवर हैव एक्सेस टू लिमिटलेस ट्रूथ। एंड आई थिंक दैट इज ए फंडामेंटल इंडियन फिलॉसफी, एक नम्रता कि आप जितने भी पढ़े लिखे हो, अनंत का ज्ञान नहीं होगा आपके पास। इसीलिए शायद आप हमेशा आपसे बातचीत में बात करी थी कि आप हमेशा अपनी लेखनी में और अपने जीवन के विचार में धर्म को शांति और प्रेम का जरिया ही बताते हैं, जबकि आज धर्म को लड़ाई का जरिया बनाया जा रहा है।
क्या यह संभव है लोगों को समझाना कि अपनी आस्था को बनाए रखते हुए भी भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए किसी दूसरे पर आक्रमण जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से आज के युग में ये बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म का दो अर्थ है। जो कन्वेंशनल लैंग्वेज में आजकल यूज हो रहा है वो रिलीजन के हिसाब से यूज हो रहा है। जब बुद्ध ने धम्म शब्द इस्तेमाल किया था तो उन्होंने उनके बौद्ध विचारधारा को धम्म कहा था कि ये सनातन सत्य है कि जहां इच्छा होगी वहां दुख होगा। इच्छा डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, वेयरएवर देयर इज लाइफ देयर इज डिजायर। वो जो बेसिक प्रीमाइस है, जो जीवन है तो दुख है, दुख है तो दुख का कारण है, और फिर उसके आगे जाते हुए कारण है तो कारण का निवारण है। तो ये जो उन्होंने कहा ये धम्म है। पहली बार उन्होंने कहा तो एक प्रकार का सनातन सत्य है। ब्राह्मणों ने महाभारत रामायण में धर्म का एक वेरी स्पेसिफिक मीनिंग होता है। पशु जो होता है वो जंगल के लॉ मत्स्य न्याय से जीता है, जहां पे बड़ा छोटे के को खाता है। मनुष्य अगर पशु के जैसे व्यवहार करेगा तो वह अधर्म है। मनुष्य में क्षमता है कि बड़ा छोटे का ख्याल रखेगा। ये है मनुष्यता और ये है धर्म। तो धर्म का मीनिंग इज द ऑपोजिट ऑफ जंगल लॉ, ऑपोजिट ऑफ मत्स्य न्याय। इसलिए मत्स्य न्याय जब हम समझते जंगल में होते हैं ना, जंगल में जो बड़ा है वो माइट इज राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट इन ह्यूमन संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति का मतलब है जहां पे वी टेक केयर ऑफ द हेल्पलेस, जहां पे जिसके पास बल है वो जिसके पास बल नहीं है बलहीन को हेल्प करता है। तो रामायण महाभारत में जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहेंगे कि कौरव 100 भाई हैं, वो 5 भाई को जमीन नहीं दे रहे हैं। ये अगर तुमने शेयर नहीं किया तो फिर तो लड़ाई होगी। 100 भाई 5 भाई को क्या तुम शेयर समझौता नहीं कर सकते? फिर लड़ाई होती है। देखिए रामायण में जैसे राम को कहते हैं कि तू भरत को दे दे, तो भरत तो ले लो। भरत कहते हैं नहीं भैया आप ले लो। हम उसको कहते हैं, दोनों भाई बोल रहे हैं कि नहीं आप ले लो। अभी ये तो नहीं होता है ना फैमिली में। फैमिली में तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है कि मेरा हिस्सा सबसे बड़ा छोटा, हर फैमिली में होता है। बिजनेस वर्ल्ड में तो मैं तो बहुत काम कर चुका हूँ, हिस्से के ऊपर लड़ाई होती है। एक थोड़ा सा हल्का फिल्टर स्टंट लेते हैं, जब आप मैनेजमेंट में जाते हैं तो कभी ऐसा वाक्य आया है कि इस आपकी फिलॉसफी को दो भाइयों में आपको टेस्ट करने का मौका मिला और क्या संभव हो पाया कि दोनों कौरव पांडवों के बजाय राम और भरत बन गए? मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में, आज के जमाने में मेजर ऑफ सक्सेस आपके कर्म, आपके कंपैशन, आपकी करुणा से ज्यादा आपके बैंक अकाउंट को माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या कोई राम और भरत बनने के लिए तैयार हो पाता है? देखिए, लोगों को महाभारत, मेरा सेल ऑफ महाभारत इज ऑलवेज हायर देन रामायण। और रामायण, ये एक और बात है कि कलयुग और इस तरह की कई और पिक्चरें हैं, हम 5 ऐसी कई पिक्चरें जो रीमेक महाभारत की बेसिक थीम पे बन गई है, अभी रामायण पे नहीं बनी है। देखिए, बिकॉज रामायण आपको अपने अंदर के पशु को, देखिए पशु कैसे, वो बच्चे खेलते ना गेम डॉग एंड द बोन, तो पशु महाभारत में लिखा गया है जब युधिष्ठिर कहता है कि हम कुत्ते मांस के ऊपर जैसे लड़ते हैं वैसे भाइयों के साथ लड़ते हैं। तो ये जो पशु प्रकृति हमारे भीतर है इसी को हम अहंकार कहते हैं। अहंकार का मतलब है पशु प्रकृति, और पशु प्रकृति को त्यागना बहुत मुश्किल। पशु बनना में मजा आता है, किसी को अधिपत्य जमाने में, किसी को नीचे दिखाने में। मैं हमेशा कहता हूं कि लीडर का मतलब क्या है? जब आप उसके सामने जाओ तो आपको लगेगा कि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन आजकल आप किसी भी लीडर के सामने जाओ तो डर लगता है, जेल में फेंक देगा, मार डालेगा। आपको लगता है शक्ति वो छीन लेता है आपसे, वो आपकी शक्ति को वैम्पायर के जैसे ले लेता है, आपकी क्षमता को छीन लेता है, क्योंकि वो भूखा है पशु जैसे। ये जो कैपेबिलिटी है रामायण महाभारत में, वही कृष्ण हंस के बोल रहे हैं कि देखिए महाभारत में लास्ट में कौरव स्वर्ग पहुंच जाते हैं। तो युधिष्ठिर कहता है ये कैसा न्याय हुआ, इनकी वजह से लड़ाई हुई? तो श्री कृष्ण कहते देख, धरती पर
कौरव ने पांडव को जमीन नहीं दी और स्वर्ग पांडव कौरव को नहीं देना चाहते थे। तुम दोनों में फर्क क्या? कौरव तो जमीन नहीं दे रहा था, तुम स्वर्ग के ऊपर तुम्हारा तो अधिपत्य है नहीं, वो भी नहीं देना चाहते। तो तुम इसलिए श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं ना कि भैया अर्जुन ये पांडव इज नॉट गुड। वो बोल रहे थे देख तुम सनातन सत्य को नहीं समझ रहे, ये जीतने की बात नहीं है, ये शेयरिंग की बात है। क्या तुम शेयर कर सकते हो उतनी पशु शेयर नहीं कर सकता, केवल अपने फैमिली के अंदर शेयर कर सकते। आपकी लोकप्रियता को देखते हुए और ये देखते हुए कि आप 42 बुक्स आ गई हैं, हजारों लेक्चर्स आप दे चुके हैं, कई लोग आपको कंसल्टेंट्स के रूप में बुलाते हैं, मुझे तो ये फिर भी कहना चाहिए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है कि फिर भी मानवीयता और मनुष्य यही चाहता है कि मानवीयता बनी रहे, इसलिए शायद आपके लिखने को पढ़ भी रहे हैं और मेरे ख्याल से समाज कहीं ना कहीं फिर भी अपने अंदर का सत्य ढूंढने के लिए अतुल ही रहता है। सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर ऑल ऑफ अस हियर। थोड़ा ट्रैक बदलते हैं, आपने शिव पर भी लिखा है, थोड़ी इस पर विवेचना करते हैं कि शिव क्या है, कल्पना आस्था या सच। इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि कैलाश पर्वत के रहस्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए कैलाश पर्वत को अगर हम फोटोग्राफ देखते हैं, यहाँ ऑगस्ट चैप्टर की देखो पिक्चर दिखा देना बच्चों को, कैलाश पर्वत का एक पिक्चर होता है और मुझे पिक्चर बहुत पसंद है क्योंकि कितना ज्ञान मिलता है वहाँ पे, और बच्चों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए क्योंकि वहां पे शिवजी के गले में एक नाग है, नाग खाता क्या है? चूहा। चूहा कहां पे है? गणपति के बगल में। नाग को खाता क्या है? मोर। मोर कहां है? कार्तिक के बगल में। शिवजी बैठते हैं नंदी बैल के ऊपर, बट बैल क्या खाता है? घास। लेकिन कैलाश पर्वत में तो घास नहीं उगता है, वहां तो पत्थर है, वहां पे बर्फ है, हिमालय है, तो वहां पे तो बर्फ, तो खाता क्या? और देवी शक्ति जो है वो तो शेरा वाली है, शेर खाता क्या है? नंदी को खाएगा। तो इस घर में प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप दिखाई दे, फूड चेन दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई किसी को खा क्यों नहीं रहा है? देखिए दर्शन, हमारे शास्त्रों में कहा है कि दर्शन करो, मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करो, तो फोटो का दर्शन कीजिए और वो दिखाई देते। कैलाश पर्वत में किसी को भूख नहीं लगता, आप भूख से मुक्त हो जाते हो। जब भूख से मुक्ति पाओगे तो फिर कुत्ते के जैसे लड़ोगे नहीं, मांस खाओगे। और डिस्ट्रॉयर की निगरानी में एक तरह से आपका ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप उनकी दृष्टि में, तो ये पैराडॉक्स है। नहीं पैराडॉक्स नहीं है, हमने ये नहीं पूछा कि उन्होंने डिस्ट्रॉय क्या किया। लोगों को चाहिए डिस्ट्रक्शन मतलब एटम बॉम्ब, ये भारतीय सनातन सत्य नहीं है। कहना चाहते हैं कि भूख को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने। यस, जिसने भूख, देखिए भूख का बुद्ध, हम इंग्लिश में चाहत कह रहे हैं, चाहत नहीं, बुद्ध ने क्या कहा था, उन्होंने डिजायर वर्ड नहीं यूज किया था, द वर्ड ही यूजेस इन पाली तन्ना व्हिच इज तृष्णा, प्यास। देखिए वी आर ऑर्डिनरी, हम फार्मर्स के देश हैं, तो लोगों को कैसे समझाएं? लड़ाई भूख से होती है ना, हम जिसको महत्वाकांक्षा कहते हैं वो एक प्रकार का भूख ही है, लोभ भी एक भूख है। अमीर आदमी का महत्वाकांक्षा, गरीब आदमी का लोभ शब्द है, लेकिन है तो भूख। जब तक भूख रहेगी तब तक लड़ाई रहेगी, शांति चाहिए तो भूख से मुक्ति चाहिए। तो भूख को संहार करने वाला कौन है? तो कामंत का, शिव जी को बोलते हैं जो काम का अंत करता है, मतलब भूख को मिटाता है, तो कामंत का। लेकिन हम हमेशा उसको मसल मैन के जैसे देखना चाहते हैं, सिक्स पैक एब्स चाहिए, त्रिशूल होना चाहिए लाइक अ टॉर्पीडो, ऐसे नहीं। वो आप हॉलीवुड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं दो विचारधाराओं को मैं आपको ले जाना नहीं चाहता हूँ, बट एक कोई कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे है कि माइथोलॉजी के हिसाब से शिव ने अपनी, जिसको आप कह रहे हैं तृष्णाओं का अंत करने में हमारी मदद करी, ऐसा माइथोलॉजी में मानते हैं। सो समबडी एल्स इज हेल्पिंग अस डू इट, वेयर एज बुद्धा फिलोसॉफी नाउ सेज, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड योर टेक ऑन दिस, बिकॉज बुद्धा की फिलोसॉफी कहती है कि भाई राग द्वेष मोह माया सब आपके अंदर है, तो महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर है और आप ही
अपने अंदर ही इस मार्ग आकांक्षा पे जीत पा सकते हैं। तो एक अलग विचारधारा है। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि 500 साल ईसा के पहले बुद्ध ने धम्म जिसको शब्द का आकलन किया, दुख है, दुख का निवारण है, दुख का कारण है, इस बारे में विवेचना करी। और एक उसी समय हमारे यहाँ पूरा पैरेलल ट्रैक डेवलप हो रहा था, जो था जो हम माइथोलॉजी बेस्ड कहते हैं, जहाँ हमने वेद पुराण और जहाँ पे ये हमने कैरेक्टर्स जिसको कहते हैं कि भाई राम कृष्ण शिव विष्णु ब्रह्मा इनका निर्माण किया। तो चारित्रिक निर्माण हमारी सोच का प्रतीक है उस समय की। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कहानियों कैसे देखते हैं, कहानियों से आख्यान, बुद्ध की भी आख्यान है, वो हिस्ट्री नहीं, वो भी आख्यान ही है, और शिव का आख्यान। तो बुद्ध के आख्यान में एक राजपुरुष पत्नी बच्चे गृहस्थ को त्याग के धर्म के मार्ग में चलता है। शिव के आख्यान में एक बैरागी गृहस्थ बनता है। तो अंतर देखिए, एक में जो गृहस्थी है वो सन्यासी बनता है, दूसरे में जो सन्यासी है वो गृहस्थ बनता है। रामायण महाभारत में दो राजपुरुष जंगल जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं कि राजा जब नहीं होता है तो अराजकता होती है, और वापस नगर में आते हैं धर्म स्थापना के लिए। तो कहानी के माध्यम से अगर देखें तो जो बौद्ध परंपरा है वो वैरागियों का परंपरा है। तो इसलिए स्त्री को छोटा दर्जा दिया गया है। अब कभी बुद्ध के बगल में स्त्री नहीं देखेंगे। सातवीं शताब्दी के बाद ही तारा की मूर्ति बनने लगी। तारा यशोधरा की मूर्ति कभी नहीं बनाई जाती, केवल उनकी माता की मूर्ति बनाई जाती है माया की, लेकिन यशोधरा की कहीं नहीं दिखाई देगा आपको। केवल बुद्ध दिखाई देंगे, उनके बगल में यक्ष दिखाई देंगे, लेकिन स्त्री को नीचे दर्जा दिया गया था। जब महायान बुद्धिज्म बजने आया तो धीरे 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 स्त्री का रूप बड़ा होना, तो तारा बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। 8th century एलोरा में पहली बार उनको मूर्ति दिखाई देता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा लगी कि गृहस्थ चीज है, स्त्री को आप त्याग के कैसे सकते? दुनिया में दाम्पत्य को महत्वपूर्ण देना, दाम्पत्य को मांगल्य से जोड़ना, ये आया धर्मशास्त्र। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसलिए शिव की शादी होगी। तो शिव शक्ति, इसलिए शिव पुराण का मेन स्टोरी इस शिव की शादी। विष्णु लक्ष्मी के साथ जोड़े जाएंगे, राम सीता के साथ जोड़े जाएंगे, कृष्ण राधा के साथ जोड़े जाएंगे। शादी अलग है लेकिन आजकल क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, आप देखिए स्त्री निंदा हो रहा है। शिव के बारे में बात करते हैं, शक्ति के बारे में नहीं बात करेंगे, राम के बारे में बात करेंगे लेकिन सीता के बारे में नहीं बात करेंगे, कृष्ण के बारे में बात करेंगे लेकिन राधा के बारे में नहीं बात करेंगे। मतलब ये एक प्रकार का एक स्त्री निंदा, गृहस्थ निंदा, ये निंदा हो रहा है मांगल्य का, क्योंकि मांगल्य दाम्पत्य संस्था है। और यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वल। शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव शव है। ये है कौरव परंपरा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहां वैराग्य परंपरा था यहां पे गृहस्थ परंपरा का बैलेंस आता है। तो बुद्ध परंपरा वॉज वैराग्य की तरफ, और जो धर्मशास्त्र था वो गृहस्थ की तरफ, और धीरे धीरे करके एक बैलेंस आता है। तो इंडियन फिलोसफी इज एक तो ध्यान की अंदर की तरफ देखो, और दूसरा है दर्शन बाहर की तरफ। ध्यान और दर्शन, लुक इनवर्ड्स, पर दर्शन सामने वाले के दुख को भी देखो यार, अपने ही दुख को देख रहे हो। मैं अप्रूव करना चाहूंगा देवदत्त जी को धन्यवाद देते हुए। देवदत्त जी के बारे में एक और चीज मालूम पड़ी, वैसे अभी तक लिखा ही था कि डॉक्टर माइथोलॉजिस्ट ऑथर इलस्ट्रेटर कॉलमनिस्ट प्रोफेशनल स्पीकर और मैनेजमेंट थियरिस्ट है। आज ये भी मालूम पड़ा कि वो बहुत अच्छे और सक्षम मार्केटियर भी हैं। और इन द राइट इन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें इस बात का एक तरह से जो मैं समझ पाया हूँ कि इनकी सारी लेखनी इस डायरेक्शन में जाती है कि पशु व्यवहार है विच इज प्रिंसिपली गाइडेड बाय फियर एंड ग्रीड, जो भय और लालच उसकी दो ही प्रेरणा होती है उसकी जिंदगी की, या दो ही कारण होते हैं उसके एग्जिस्टेंस के, और उसके विपरीत हम अपने स्वभाव को ले जा सके यही मानवता का धर्म है, और इसी धर्म की ज्यादा से ज्यादा विवेचना करते हैं। धन्यवाद।